देश में अन्नदाता जो हमारे अपना के भरण पोषण के इंतजाम करत है, वह देश में सरकार यह कहा थी कि हम किसानन के बेहतरी खातिर जो है रोज नए नियम कानून बनाए रहे हैं, किंतु किसानन के स्थिति में कोनो सुधार नहीं हो रहा है। यह बात हम ऐसे कह रहे हैं कि अभी हाल में दमोह में एक किसान जो है सिंचाई खातिर बिजली नहीं पाई, सो वह किसान जो है अपने खेत के बर्बादी के चलते जो है फांसी लगाए के खुदकुशी कर लें। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि पिछले दिना जो है एक किसान के द्वारा जो है आत्महत्या कह लीन गई रही। ओमा एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधे के मौका दे दी थी। दरअसल शुक्रवार का एक किसान अपने खेत में लगे आम के पेड़ में फंदा लगाए के आत्महत्या कह ली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कहा गया कि बिजली नहीं मिले के कारण फांसी लगाए के खुदकुशी कई की जाए के यह बेहद दुखद घटना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कहा गया है कि शिवराज सरकार में किसानन के आत्महत्या जारी है, एक साथ साथ बिजली विभाग द्वारा किसान के केबल जब्त करे के जानकारी सामने आई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के कहा है कि किसान रूपलाल अहिरवार कार्ड उनके खराब फसल के मुआवजा नहीं मिला रहा, जेके कारण बढ़ते कर्ज से दुखी रहे। बता दी कि फसल खराब कर्ज के बोझ के दले एक किसान रूपलाल अहिरवार के द्वारा जो है शुक्रवार का अपने खेत के आम के पेड़ में फांसी लगाए के आत्महत्या कर ली गई रही। किसान के मौत के बाद परिजन दोपहर 2 बजे तक बस स्टैंड चौराहा पर सौ कर रख के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करे रहे। एक बाद मौके में जो है थाना प्रभारी पहुंच के किसानन के परिजनन के जो है जांच के आश्वासन दिए रहे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार का कलेक्टर तरुण राठी धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण की करे रहे और वह मामला में किसान रूपलाल अहिरवार की पत्नी के नाम के साथ क्रेडिट कार्ड में 96,000 के कर्ज रहा। उसके बाद कोर्ट परिसर में जो है कोर्ट में पेश हो के नोटिस भेजा गया रहा। शनिवार का कोर्ट में पेशी से पूर्व शुक्रवार का किसान रूपलाल अहिरवार फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। यह मामला में रूपलाल अहिरवार के बेटा राहुल अहिरवार के कहा है कि उनके पास 2.5 एकड़ की जमीन है, जो उन्हें माँ 15 क्विंटल धान की उपज भय रही और ओकर जो है कुछ बाकी रही। एक बात जो है वही बेटा अरुण राहुल जो है अहिरवार के द्वारा आरोप लगा बगा है कि पानी के अभाव में फसल सूख गई रही, बिजली कनेक्शन न ले पर बिजली विभाग के कर्मचारी पंप लाइन काट दिए रहे। वहीं कर्ज के बोझ के तले किसान रूपलाल अहिरवार का सरकार से 5% ब्याज में कर्ज लेने रहे और कर्ज लगभग 3 लाख रुपया तक पहुंच गया। माना यह जाल लाग है कि कर्ज के बोझ के तले दबे हुए के वजह से किसान आत्महत्या के कदम उठाए। निश्चित तौर पर किसान और हमारा अन्नदाता जो आपन जो है ये धरती के सीना चीर के एमा फसल उगावत है और वह फसल से हमार अपना के भरण पोषण होता है। सरकार कहों कहों यह किसान का जो है राजनीतिक एजेंडा बना देती है, वोट लेके साधन बना देती है। तो किंतु सरकार यदि जमीनी स्तर में किसानन के हालात देखे तो बेहद दर्दनाक और दयनीय स्थिति में है। तो निश्चित तौर पर सरकार उनका यह और गंभीरता से ध्यान दे चाहिए और एक ऐसा नीति बनाई जाए जो उन्हें से हमार किसान हमार अन्नदाता कबो यमें असहनीय कदम उठावे के हिम्मत न कह सके। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।